हेलो फ्रेंड, आज हम लोग खेलकूद के बारे में जानेंगे। इसमें टोटल क्वेश्चन 388 है, इसलिए इसको कई पार्ट में बांटकर हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए खेलकूद से संबंधित आज कुछ क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में इसको बांट के बताया जाएगा आपको। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि सभी पार्ट को अच्छे ढंग से देख लें, क्योंकि एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन बराबर पूछे जाते हैं यहाँ से। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन, कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो हॉकी, आइस हॉकी हो जाएगा आंसर आपका, ठीक है। कनाडा का राष्ट्रीय खेल है, ये जो होता है बर्फ बर्फ हॉकी भी से कहा जाता है, आइस हॉकी को बर्फ हॉकी भी कहा जाता है, और ये स्केटरों की मदद से छड़ी द्वारा गोल किया जाता है। और ये खेल जो होता है आइस हॉकी, ये रिंग में खेला जाता है। अगर हम रग्बी फुटबॉल की बात करें तो रग्बी फुटबॉल स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल है। उसी तरह बेसबॉल अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है, जो डायमंड में खेला जाता है, ठीक है। वॉलीबॉल, वॉलीबॉल एक खेल है जो कि बीच में जाली लगा के जो खेला जाता है फील्ड पे, वही खेल है। बहुत सारे इसमें नियम होते हैं। तो यहाँ पे याद रखना है कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो आइस हॉकी है, ठीक। और ये इसको बर्फ हॉकी भी कहा जाता है, और कहाँ खेला जाता है आइस हॉकी, तो रिंग में खेला जाता है, याद रखेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका का जो राष्ट्रीय खेल है वो बेसबॉल है, और बेसबॉल ये डायमंड में खेला जाता है, ठीक। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, इसमें खिलाड़ियों की संख्या टोटल 11 होता है, ठीक है। अगर हम बेसबॉल की बात करें तो बेसबॉल डायमंड में खेला जाता है, और अगर खिलाड़ियों की संख्या की बात करें बेसबॉल में तो 9 होते हैं, टोटल खिलाड़ियों की संख्या 9 होते हैं बेसबॉल में, ठीक। तो जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो जापान का राष्ट्रीय खेल जूडो हो जाएगा आंसर आपका, ठीक है। बेसबॉल तो अमेरिका का राष्ट्रीय खेल हो गया। फुटबॉल, फुटबॉल ब्राजील का राष्ट्रीय खेल है, और उसके साथ साथ रूस का भी राष्ट्रीय खेल है। रूस में शतरंज को भी राष्ट्रीय खेल माना जाता है, ठीक। शतरंज रूस का भी राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट है, स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है? स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो आंसर हो जाएगा आपका रग्बी फुटबॉल। अभी मैंने बताया था यहाँ पे रग्बी फुटबॉल स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल है। आइस हॉकी तो कनाडा का भी पड़े यहाँ पे, फुटबॉल बताया अभी मैंने, ब्राजील का राष्ट्रीय खेल है, और रूस का भी है, शतरंज भी रूस का है, और बेसबॉल कहाँ का है? तो अमेरिका का है, बेसबॉल राष्ट्रीय खेल अमेरिका का है। ये खेल कहाँ खेला जाता है? बेसबॉल डायमंड में, ठीक है। स्पेन, स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो बुल फाइटिंग हो जाएगा, ठीक, बुल फाइटिंग। नेक्स्ट है, जैसे यहाँ रग्बी फुटबॉल है, रग्बी फुटबॉल कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? तो रग्बी फुटबॉल राष्ट्रीय खेल है आपका स्कॉटलैंड का, ठीक। नेक्स्ट है, बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? स्कॉटलैंड का। स्पेन का राष्ट्रीय खेल, अब देखिए यहाँ पे स्पेन का राष्ट्रीय खेल मैंने अभी बताया बुल फाइटिंग, ठीक। तो सात नंबर फिर क्वेश्चन आ रहा है कि बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है, ठीक, तो स्पेन का है, ठीक। कनाडा का क्या राष्ट्रीय खेल? आइस हॉकी है। स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है? अभी मैंने बताया हूँ आपको स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल रग्बी फुटबॉल है, बताया था अभी मैंने, स्कॉट रग्बी फुटबॉल स्कॉटलैंड। बुल फाइटिंग कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? तो स्पेन का, याद रखिएगा यहाँ पे, ठीक है। और यह जापान, जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? जूडो, जूडो राष्ट्रीय, इसको जू जुत्सु भी कहा जाता है, जू जुत्सु, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आइस हॉकी, आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो मैंने बताया अभी कनाडा का राष्ट्रीय खेल है। यहाँ पे देखिए स्कॉटलैंड है, स्कॉटलैंड जो है किसका राष्ट्रीय खेल है? तो ये है स्कॉटलैंड का, स्कॉटलैंड देश है, और वो वहाँ का राष्ट्रीय खेल गोल्फ होता है, गोल्फ, ठीक है। उसी तरह से डेनमार्क और स्वीडन, ठीक। तो डेनमार्क का राष्ट्रीय खेल मुझे पता नहीं है, स्वीडन का भी नहीं पता है, अगर आप लोग को पता हो तो कमेंट कीजिएगा, ठीक। देखिए एक क्वेश्चन पीछे मैं ठीक से बताना चाह रहा था, ये क्वेश्चन 3 नंबर, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो मैंने बताया था हॉकी, हॉकी और एक देश का राष्ट्रीय खेल है, जैसे कि पाकिस्तान का भी राष्ट्रीय खेल है। क्रिकेट की अगर हम बात करें तो क्रिकेट का राष्ट्रीय खेल है ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल है, और इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल है। कबड्डी, कबड्डी कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? तो आप कबड्डी का राष्ट्रीय खेल की बात करें तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है। और शतरंज कहाँ का है? तो रूस का राष्ट्रीय खेल है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
सुमेलित कीजिए। अगला क्वेश्चन है आपको सुमेलित कीजिए, तो देखिए इसमें कहता आइस हॉकी। आइस हॉकी तो राष्ट्रीय खेल कनाडा का है, मैंने अभी बताया था। तो ए नंबर का वन नंबर देखिए कहाँ पे, यहाँ पे है। रग्बी फुटबॉल का था स्कॉटलैंड का है, सही बोल रहा है। दो नंबर हो जाएगा सुमेलित है ही, रग्बी फुटबॉल स्कॉटलैंड, ये दो है, यहाँ भी दो है। फिर है बुल फाइटिंग, बुल फाइटिंग में सांडों की लड़ाई तीन नंबर है, सांडों की लड़ाई तीन नंबर है आपका, ये भी आपका सही है, ठीक है। तो देखिए आइस हॉकी आपका कनाडा का है, रग्बी फुटबॉल स्कॉटलैंड, बुल फाइटिंग स्पेन और बेसबॉल संयुक्त राज्य अमेरिका। तो यानी कि आपका सारा का सारा नाइन का ए नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। अमेरिका का राष्ट्रीय मनोरंजन किस खेल को कहा जाता है, अमेरिका का राष्ट्रीय मनोरंजन बेसबॉल को कहा जाता है, आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, खेल और उनके जन्मदाता। खेल और उनके जन्मदाता से क्वेश्चन है, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने प्रारंभ किया, तो आंसर हो जाएगा आपका तुर्कों ने, सी नंबर। पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ था, तो हिमाचल प्रदेश में हुआ था, ठीक। कबड्डी खेल का उद्भव किस देश में हुआ माना जाता है, कबड्डी जो हुआ था ये भारत देश में इसका उद्भव हुआ था, लेकिन अभी ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है कबड्डी। शतरंज, शतरंज का जन्मदाता किस देश को माना जाता है, ये भी भारत को जाना जाता है शतरंज का जन्मदाता, लेकिन आपका रूस का भी ये राष्ट्रीय खेल है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 नंबर सवाल है आपका, क्रिकेट खेल की शुरुआत किस देश में हुई, तो क्रिकेट खेल की शुरुआत इंग्लैंड में हुई थी। निम्नलिखित में से किस खेल का उद्भव भारत में नहीं माना जाता, ठीक है, तो भारत में नहीं हुआ माना जाता है, ठीक। तो आंसर हो जाएगा आपका बिलियर्ड्स। कबड्डी भारत में हुआ था, पोलो भी भारत में होता है, और शतरंज में भारत में ही उद्भव हुआ था इसका। निम्नलिखित में से किस खेल का उद्भव इंग्लैंड में नहीं हुआ माना जाता है, ठीक है, तो इंग्लैंड में कौन सा खेल का नहीं हुआ था, तो आंसर हो जाएगा आपका वॉलीबॉल, ठीक। नेक्स्ट है, खेल और उनके जन्मदाता देश का सही युग्म क्या होगा, सिक्वेस भारत, पोलो भारत, पोलो भारत हो जाएगा क्योंकि पोलो भारत में हुआ था, ये सब नहीं होगा। खेल और उनके जन्मदाता देश का गलत युग्म कौन है ये बताना है। देखिए यहाँ पे लिखा है शतरंज, शतरंज भारत में हुआ था, लेकिन हाँ रूस का राष्ट्रीय खेल शतरंज है, ये चीज सही है कि रूस का राष्ट्रीय खेल शतरंज है, लेकिन यहाँ पे जन्मदाता भारत है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अब है हमारा विभिन्न खेलों में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या। इससे भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में रहते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, चलिए इसको देख लेते हैं। चलिए इसमें क्वेश्चन है आपका, पहला खो खो खेल में कितने खिलाड़ी एक टीम में होते हैं, तो इसका आंसर रहेगा आपका नाइन, नौ खिलाड़ी होता है खो खो में। वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो वो होता है सात होता है, ठीक है, 21 का सी नंबर। नेक्स्ट है, एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो चार होते हैं। बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो नौ होती है। वॉलीबॉल के प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो वॉलीबॉल में प्रत्येक खिलाड़ियों की संख्या छः गो होता है, वॉलीबॉल में छः गो, बेसबॉल में नौ गो। बास्केटबॉल के खेलों में, खेल में दोनों ओर कितने खिलाड़ी होता है बास्केटबॉल में, ठीक, तो पाँच हो जाएगा। कितने खिलाड़ी एक टीम के मैदान पर क्रमशः खो खो, खो खो में कितना खिलाड़ी होता है, नौ टो होता है, अभी हम लोग जाने थे इसमें नौ टो खिलाड़ी होता है, ठीक है। कबड्डी में सात खिलाड़ी होता है, और वॉलीबॉल में छः खिलाड़ी होता है, और बास्केटबॉल में पाँच खिलाड़ी होता है। अभी तो पढ़े हम लोग बास्केटबॉल में, यहाँ देखिए पाँच पढ़े, वॉलीबॉल में छः, बेसबॉल में नौ, तो आंसर आपका नौ सात छः पाँच हो जाएगा, ये सी नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वॉलीबॉल, वॉलीबॉल बास्केटबॉल बेसबॉल खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है, तो सिक्स फाइव नाइन। वॉलीबॉल में सिक्स, बास्केटबॉल में फाइव और बेसबॉल में नाइन खिलाड़ी होती है, सी नंबर आंसर हो जाएगा। कबड्डी के खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है, कबड्डी में सात होता है, कबड्डी बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है। किस समूह के खेलों में प्रत्येक पक्ष में सात खिलाड़ी होते हैं, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका वाटर पोलो व कबड्डी।
निम्नलिखित में से किस खेल के प्रत्येक पक्ष की टीम में 11 खिलाड़ी नहीं होते हैं? ठीक है, तो क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल में होता है, खो खो में नहीं होता है, इसमें 9 खिलाड़ी होता है, तो इसका बी नंबर हो जाएगा। किस ग्रुप के खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या समान होती है? ठीक, तो 31 का आंसर क्या हो जाएगा, बास्केटबॉल और खो खो में खिलाड़ी की संख्या 9 नॉट होता है। किस ग्रुप के खेलों में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है? तो आंसर हो जाएगा आपका कबड्डी एवं नेटबॉल। किस खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या सर्वाधिक होती है? ठीक, तो आंसर हो जाएगा आपका रग्बी फुटबॉल, 15 खिलाड़ी होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस खेल की टीम में महिला तथा पुरुष दोनों खिलाड़ी होते हैं? ठीक, तो आंसर हो जाएगा आपका कार फुटबॉल। रग्बी फुटबॉल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है? तो 15 होता है। अब चलिए देखते हैं खेल और खेलावधि की। क्रिकेट के आधुनिक संस्करण सुपर मैक्स क्रिकेट में दोनों टीमों को 10 ओवर की एक पारी के लिए कितना समय दिया जाता है? ठीक है, तो कितना समय दिया जाता है, तो आंसर हो जाएगा आपका 45 मिनट। किसी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की सामान्य समयावधि कितनी होती है? ठीक, तो कितनी होती है, 90 मिनट। किसी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की सामान्य समयावधि कितनी होती है? तो कितनी होती है, आंसर हो जाएगा 70 मिनट। मुक्केबाजी की स्पर्धा में कितने कितने मिनट की 3 राउंड चक्र होते हैं? तो 3-3 मिनट की। कबड्डी की पुरुष स्पर्धा में कितने मिनट का एक हाफ होता है? तो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, 20 मिनट। ठीक, चलिए वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए इसको 5 नंबर खिलाड़ी और उनके उपनाम को नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, पार्ट 2 में यहाँ से। ठीक है, इतना ही रहने देते हैं इसको।